पति भी आपकी वैल्यू नहीं समझता, आपका पार्टनर आपकी कद्र ही नहीं करता। क्या चीज है आप उसको शायद मालूम भी है, लेकिन वो आप तक इस बात की भनक नहीं पहुंचने देता कि मुझे तुम अच्छी लगती हो, मुझे तुम्हारी कद्र है, तुम इम्पोर्टेंट हो मेरे लिए। इस बात की आपको भनक नहीं लगने देता, अक्सर वो अपमानित करता है आपको, तुम किसी काम की नहीं, तुमसे अच्छा मैं उससे शादी करता, मेरी किस्मत खराब हो गई तुम्हें चुनकर, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में एक ही गलती की तुमसे शादी करके। सुना होगा ना आपने भी, यदि आपके घर में भी ये समस्या चल रही है तो बहुत बार सुना होगा आपने, आपका पति क्या है नहीं है पता नहीं उसका, लेकिन आप जीरो हैं ये बात आपको बार बार बताई जाती है। आपका दिमाग काम नहीं करता, आपका मस्तिष्क काम नहीं करता, आपको खाना बनाना नहीं आता, आपको उठना बैठना नहीं आता, आपकी पढ़ाई लिखाई किसी काम की नहीं, तुम खूबसूरत तो है ही नहीं, तुम्हारी एजुकेशन बेकार है, तुम्हें कुछ नहीं आता, सीधी बात तुम्हें कुछ नहीं आता। और ऐसे बोलने वाले पुरुष मानो सब कुछ जानते हो। अरे मूर्ख, वो तुम्हारी शुक्र है, उसे कुछ आता है या नहीं आता है, परंतु तुम्हारी तकदीर को संवारना आता है। कौन समझाए तुम्हें, एस्ट्रोलॉजी समझते हो थोड़ी सी, तो उसको पत्नी मत समझो, शुक्र समझो। जितना रोएगी तड़पेगी आंसू बहाएगी तुम्हारी तरक्की रुक जाएगी। चलो जितनी जल्दी समझ जाओ उतनी जल्दी तरक्की करो, पत्नी के साथ अच्छे से रहो, खुश रहो, मीठी बोली बोलो। जो नहीं समझ रहे कोई बात नहीं, यदि आपका पति भी आपकी वैल्यू नहीं समझता है, प्रताड़ित करता है आपको शब्दों से, मायके पहुंचा दिया है लंबे समय से, आपको लेने नहीं जाता है, उसकी उसको कुछ नहीं पड़ी आपकी, कोई कदर नहीं है आपकी उसको, उसे कुछ नहीं पड़ी, आप कहाँ रह रही हो, कितने साल से रह रही हो, आपसे बच्चा भी चाहिए कि नहीं पता नहीं, कुछ कुछ महिलाएं मुझको ये लिख रही है कि मैं बच्चा चाहती हूँ और मेरे पति नहीं चाहते, वो शायद मुझे छोड़ना चाहते हैं इसीलिए जनरेशन आगे नहीं बढ़ाना चाहते। अद्भुत बात है, तुमने विवाह किया उससे, बच्चों को आने तो इससे विवाह मजबूत होगा, तुम दोनों एक दूसरे को और ज्यादा समझ पाओगे। खैर ये तुम्हारा पर्सनल डिसीजन है, यदि पति बदतमीज हो रहा है और इस रिश्ते पर वार कर रहा है, जिस रिश्ते को जीवन भर उसको निभाना चाहिए, जिस रिश्ते को 7 जन्म उसे निभाना चाहिए, उस रिश्ते पर वो बार बार वार कर रहा है, अटैक कर रहा है, वो बेवकूफ अपना ही घर तोड़ने के लिए बैठा हुआ है, तब तुम क्या करोगी, तब है ज्योतिष ज्ञान तुम्हारे लिए। यदि मोहल्ले समाज के सामने तुमसे झगड़ा करता है, घर में परिवार वालों के सामने तुम्हें अपमानित करता है, ये घर तुम्हारा नहीं है, यहाँ तुम्हारा किसी चीज पर हक नहीं है, बार बार ऐसे शब्द कहकर आपको लज्जित करता है, तब यह उपाय आपके लिए, आपके प्यार में खींचा चला आएगा वो मनुष्य, वो लड़का, वो आदमी जिसने तुमसे शादी किया, अब शादी की वैल्यू समझेगा। आज जो उपाय बताने जा रही हूँ अब समझेगा शादी की वैल्यू। मायके जाओगी तो रात रात में सोएगा नहीं, तुमसे एक बार फोन पे बात करने के लिए रात रात भर जागेगा, वो ऐसे तुम्हारा दीवाना रहेगा मानो शादी नहीं हुई होती है ना, तो कैसे रात भर वो तुम्हारा इंतजार करता था, तुम जिधर से गुजरो एक झलक तुम्हें देखना चाहता था, और आज तुम उसके घर में हो, उसके कपड़े धो रही हो, उसके लिए खाना बना रही हो, उसको कोई कदर नहीं तुम्हारी, उसको कोई कदर नहीं तुम्हारी, तब यह प्रयोग आपके लिए। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह, बहुत स्वागत बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने यूट्यूब चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप सब और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दे हर हर महादेव अवश्य लिखें, अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ ना कहे तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। कर्म है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हों, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हों, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हों, चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। दिल नहीं टूटने दूंगी, एक भी घर नहीं टूटने दूंगी, रिश्ता कितना भी खराब क्यों ना हो गया हो, फिर से सवर जाएगा, फिर से सुधर जाएगा, वो तुम्हारी बोली बोलेगा, रात रात भर तुम्हारा इंतजार करेगा, वो बात नहीं करता ना तुमसे, इतनी बातें करेगा कि तुमको फोन काटना पड़ेगा, मायके नहीं जाने देगा, जाओगे तो साथ में जाएगा, साथ में आएगा, कहेगा तुम्हारे बिना रह नहीं सकता, मतलब आकर्षण इतना बढ़ेगा कि बस वो तुम्हें छोड़कर नहीं रह पाएगा। यदि तुम्हारे पति के जीवन में किसी भी अन्य लड़की, किसी भी औरत का साया है, तुम्हें ऐसा लग रहा है जैसे कि ऑफिस में काम करने वाली लड़की के साथ उसके कुछ स्पेशल रिलेशनशिप हो गए हैं और इसकी वजह से वो तुमसे लड़ता है,
यदि तुम दोनों की शादी से पहले मोहल्ले में किसी लड़की के साथ उसका संबंध था और अभी भी वो उसको भूल नहीं पाया, भले उसकी शादी भी हो गई परंतु वो आती है तो भी ये भूल नहीं पाता और उसकी वजह से तुम दोनों झगड़ा करते हो, तब भी यह उपाय आपके लिए। इस उपाय का खास मकसद ही है कि वह तुम्हारी ओर आकर्षित हो जाए। फिर क्या फर्क पड़ता है सास क्या बोलती है, मोहल्ले वाले क्या बोलते हैं, कौन क्या बोलता है, कोई फर्क नहीं पड़ता यदि पति पूर्ण रूप से आकर्षित हो तुमसे। चलिए ध्यान से सुनिए, समझ लेते हैं उपाय क्या है। समझ कर करना, जो चीज बोलो उसका उच्चारण सही से करना, जो चीज मैं लाने के लिए कहूं बस वही चीज लाना, एक बार में असर देखोगे। यहां प्रयोग प्रारंभ करो वहां असर शुरू होगा। सात समंदर दूर बैठा हो ना, अगर तुम ससुराल में रहती हो और वो कमाने के लिए कहीं चला गया है और नहीं आता है इसी बहाने कि तुमसे मिलना ना हो, तब भी खींचा चलाएगा अपने घर। और यदि आप मायके में रहती हो, वो अपने घर रहता है, तो भाग कर आएगा और लेकर जाएगा मायके में बैठे बैठे करना यह प्रयोग। दिव्य है, चमत्कारिक है यह प्रयोग। तुम्हें 11 अपराजिता का फूल चाहिए। अपराजिता का फूल क्या होता है, किस प्रांत में इसे क्या कहते हैं, एक बार समझ लेना, गूगल में जाकर सर्च कर लेना। ये बहुत सारे रंगों में आता है, स्पेशल तुम्हें नीले रंग वाला चाहिए जो भगवान शिव को चढ़ता है। बिल्कुल ब्लू ब्लू सा खूबसूरत सा फूल, बीच में जरा सा येलो रहती है। आप सर्च करके देख लेना जो भाई बहन नहीं समझ रहे हैं अपराजय का फूल को। अपराजिता भी कहते हैं, अपराजय भी कहते हैं। कहते स्वर्ग से आया है यह पुष्प। हरि श्रृंगार, अपराजिता, ये सब स्वर्ग से आए हुए हैं। तो इतने ज्यादा आकर्षण है इसके अंदर ना, इस फूल को गौर से देखोगे ना तो देखते रह जाओगे, थोड़ी देर नजरें नहीं हटती है, इतना आकर्षण है। 11 अपराजी का ब्लू फूल लेना, ब्लू ही लेना, व्हाइट भी होते, व्हाइट की जरूरत नहीं है, ब्लू फूल लेना। एक पात्र में थोड़ा सा गुलाब जल लेना, दिन केवल सोमवार को कर सकती हो, ना कर सको तो शुक्रवार को करना। एक पात्र में अरवा चावल लेना, व्हाइट वाला सफेद चावल। अभी देखो मैं दो बातें बताने जा रही हूँ, इस प्रयोग को दो भागों में बांटूंगी, फिलहाल प्रयोग को अच्छे से समझ लो। 11 अपराजय के फूल को धागे से बांध बांध कर एक छोटी सी माला तैयार करना, सुई मत डालना इसमें, धागे से बांधना, सफेद धागे से बांध बांध कर एक माला तैयार करना। माले के और छोर को बांध दोगी तो वो गोल हार बन जाएगा। गुलाब जल में भिगो लेना, भीगा हुआ अपराजय को अरवा चावल में भिगा लेना, पूरी अरवा चावल उसमें चिपक जाएगी। आहा, सुंदर नजारा। भगवान शिव का कोई मंदिर हो तो ये जाकर शिव के मंदिर में शिव जी को पहनाओगी और तब इस मंत्र का जप करोगी। और जो भी गैर धर्म के हैं, जो हिंदू धर्म के नहीं है, भगवान शिव की पूजा नहीं करते हैं, वो महिलाएं अपने बाएं हाथ में इस माला को पहनेंगी और तब इस मंत्र का जप करेंगी। आप किसी भी धर्म के हो आप इसको कर सकते हैं। सुगंधि वर्धनम, सुगंधि वर्धनम, सुगंधि वर्धनम, आकर्ष आकर्ष आकर्ष, ये 6 वर्ड हो गए। 3 बार आपने मंत्र कहा, 3 बार आकर्ष कहा, 3 बार पति का नाम। इतना कहने को एक बार कहना होता है, इतना को एक बार कहना है, इतना को 11 बार करना है। बात समझ में आई? अभी जितना मैंने कहा वो एक हुआ, इसी प्रकार 11 बार बोलना है। जो पूजा पाठ करेंगी वो शिवजी को ये माला पहनाकर वहीं बोलेंगी, जो पूजा नहीं करेंगी वो अपने बाएं हाथ में इस माला को पहनकर बोलेंगी। आपका ही आकर्षण बढ़ना है। जो शिवजी को पहनाई ये माला, इस जप के बाद इस माला को अपने बाएं हाथ में धारण करेंगी। जिन्होंने अपने बाएं हाथ में धारण किया उसको पहने रहेंगी कम से कम 6 घंटे तक, कम से कम 6 घंटे तक। इसके चावल झड़ने लगेंगे, गिरने लगेंगे सूखते सूखते, कोई बात नहीं, 6 घंटे के बाद इस माला को उठाकर किसी भी फूल पौधे में डाल देना। बस इतना एक बार करो ना, सारी चीजें एक तरफ, तुम्हारा पति तुम्हारी तरफ। करके देखो, अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।